जेल में बंद कैदियों के लिए रक्षाबंधन अपनों से मिलने की सौगात लेकर आए। इस मौके पर बाराबंकी जिला जेल में बंद भाइयों को उनकी बहनों ने जेल में जाकर राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगी। कारागार में बंद महिला कैदियों से भी उनके भाइयों ने राखी बंधवाई। इस दौरान बाराबंकी जिला कारागार में भाई बहनों का तांता लगा रहा। जेल सुपरिटेंडेंट अशोक ने बताया कि बाराबंकी जिला कारागार में रक्षाबंधन के पर्व पर राखी बंधवाने का इंतजाम किया गया है, जो सुबह से शुरू हो गया था। बहनों को जेल के अंदर राखी और मिठाई ले जाने की इजाज़त थी, जिसे वे अपने भाइयों की कलाई पर बांध उन्हें मिठाई खिला सकें। अशोक ने बताया कि इस दौरान जेल प्रशासन ने हर भाई बहन को मिलने का समय दिया। वहीं दूसरी तरफ महिला कैदियों से भी मिलने पहुंचे उनके भाइयों ने रजिस्ट्रेशन मुलाकात की और राखी बंधवाई। इस दौरान जेल सुपरिटेंडेंट अशोक ने बताया कि आज के दिन जेल में खास इंतजाम किए गए थे, जिससे किसी भी भाई बहन को मिलने और राखी बांधने में कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। तैयारियां की हैं रक्षाबंधन को लेकर बहनों को भाइयों से मिलाने के लिए? देखिए, हम लोगों ने जो हमारे कारागार में नियुक्त बंदीगण हैं उनकी आज बहनों की भीड़ रक्षाबंधन के पर्व पर अत्यधिक हो जाती है, तो हम लोगों ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि कोई भी बहन रक्षाबंधन के पर्व पर बिना अपने भाई को राखी बांधे वापस न जाने पाए। इसके लिए हम लोगों ने अलग से पूरी व्यवस्था कर रखी है। कई आदमियों की अतिरिक्त आवश्यकता जो है उनको ड्यूटी पर लगा रखा है कि जो भी बहनें आएंगी उनकी तुरंत पर्ची लगेगी, उनकी अंगूठे का निशान लेकर के और उनको कारागार भेजा जाएगा। इसमें कई चरणों में, एक चरण, दो चरण, तीन चरण, जितने चरणों में भी जितनी भी हमारी महिलाएं, हमारी बहनें कारागार में आज अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए आएंगी, कोई भी बहन वापस नहीं जाएगी बिना राखी बांधे हुए। ये हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा है। और प्लस राखी है, कलावा है या जो टीका लगाने का सामान है, और आधा किलो तक हम लोगों ने मिठाई भी अलाउ किया है कि अपने भाइयों को जो रक्षा सूत्र बांध करके अपने भाइयों को मिष्ठान खिला सकें। इसकी हमने पूरी व्यवस्था की है और इसमें किसी प्रकार की कोई असुविधा अपनी बहनों को नहीं होने देंगे। ये हमारा कर्तव्य, हमारी प्राथमिकता भी है।